हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद एंजेल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 जनवरी 2022 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका बाल विकास का CDP का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कथन ये ए है। कारण आठ, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारण ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ए और आठ दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना या फिर कूदना। तो इसका जो सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घसीट कर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य वाले अवस्था में होगा? एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, गलत। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क कर सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, तीसरा और चौथा भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल्म और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडिया और द्वितीयक, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिल्मों और विज्ञानों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता या फिर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गतिशील और लचीला। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, गलत। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करते हैं, गलत। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? ऑप्शन नंबर, इसका जो वन नंबर है वो है सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा ये सही है, ओ गॉड वन मिनट फ्रेंड्स, सांस्कृतिक उपकरण सही है, सामाजिक संपर्क ये भी सही है, संतुलन गलत है और पुरस्कार भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वन एंड टू दे रखा है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, गलत। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, गलत। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रभाव और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भाषाई। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रभाव और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता भाषाई बुद्धि की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति
कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार गलत, मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें ये भी गलत है। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। गलत हो जाएगा। शिक्षा अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा चौथा भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? गलत। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? ये भी गलत। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। गलत। बीजों के को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वे छात्र जिन्हें डैश हैं उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पठन वैकल्य। वे छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों के में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने चाहिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्न के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। सामग्री की प्रस्तुतिकरण, ये गलत हो जाएगा। संचार व्यक्ति, ये भी गलत है। सूचना के दृष्टिकोण, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया है विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। दिव्यांग छात्रों की में के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, गलत। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षा, गलत। अनिवार्य विषय शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके, चारों तरह से बच्चे सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4, चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। सही। अपने अधिगम पर तर्क आर अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों के निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23।
एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो, अस्पष्ट, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, अत्यंत जटिल या अर्थहीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। निराशा, अभिसारी उत्तर, अपसारी सोच या मात्र रटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, अपसारी सोच को। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है, यांत्रिक, व्यावहारिक, निष्क्रिय, सामाजिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, सामाजिक। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन एक शिक्षक को छात्र के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। और कारण आर दे रखा है, समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करते हैं, समलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। दोनों ही सही हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है, निर्मित करना, गलत पहचानना। ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। देखा करना ये भी गलत है, प्रचारित करना ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। छात्रों में भय का अभाव अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, गलत हो जाएगा ये, अधिगम के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छात्रों में बहकावा अधिगम के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह। ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, योग्यता की चाह। छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए कौन प्रेरित करेगा, योग्यता की चाह। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, गलत। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। फ्रेंड्स, 5 जनवरी 2022 का फर्स्ट पेपर का बाल विकास का पेपर आपका सॉल्व हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।